नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। अनुप्रति योजना के प्रथम चरण के फॉर्म भर दिए गए थे, 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी और उन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिए मैक्सिमम ने जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे। कुछ लोगों के अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जिनको कोचिंग में जिनका नाम नहीं पहुँचा है, तो वो लोग कोचिंग संपर्क कर लें। लेकिन अनुप्रति योजना के नए फॉर्म कब भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, कौन कौन भर सकते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और ये फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, क्यों लेट हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनुप्रति योजना की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आप जैसे बहुत सारे लोग जो अनुप्रति योजना से संबंधित हैं इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्लस चैनल पर मैंने अनुप्रति योजना की पोस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर इसके बारे में सारे सवाल जवाब और जो भी स्क्रीनशॉट हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं और जो भी इसकी शर्तें हैं, सारी मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं और उनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। देखिए, पिछली बार मतलब 2-3 साल से योजना अनुप्रति योजना कोचिंग की शुरू हुई है, लेकिन इस बार जो नया जो प्रोसीजर किया गया है उसमें 2 चरण किए गए हैं। मतलब सीट तो बढ़ाई गई थी इस बार, तो मतलब टोटल सीट 30,000 कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ इस बार 2 चरण कर दिए थे। क्योंकि गवर्नमेंट जब इसके फॉर्म निकालती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे और जिनके योग्यता नहीं होती थी, और मतलब मान लो जिनके पास जिनकी 10वीं क्लास का रिजल्ट नहीं आया या 12वीं का रिजल्ट नहीं आया, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती थी, या किसी का ग्रेजुएशन का परिणाम नहीं आया तो उसके चक्कर में उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता था। और दूसरी तरफ जो समस्या रहती थी वो ये थी कि अगर इन परिणामों के चक्कर में गवर्नमेंट लेट हो जाती है तो कोचिंग शुरू हो जाते, बैच शुरू हो जाते और मतलब स्टूडेंट की पढ़ाई लेट हो जाती थी। इसलिए 2 चरण कर दिए गए, जिससे पहले चरण में वो लोग भरते जिनकी योग्यता कंप्लीट है और उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो और वो टाइम से बैच ज्वाइन कर लें, और दूसरे वो लोग जिनके परिणाम अटके हुए हैं उनके लिए 2रा चरण। तो इसका मतलब है कि 100% इस बार दूसरी बार फॉर्म भरे जाएंगे। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पॉपअप मैसेज है। जब आप अनुप्रति योजना वाला पोर्टल खोलते हैं SSO में, तब इस तरह का मैसेज आपको दिखता है। आपने पढ़ लिया होगा, इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी पात्रता पूर्ण नहीं है, आवेदन जो नहीं कर सकते हैं, जो योग्य नहीं है, वो लोग कृपया दूसरे चरण में फॉर्म भरें। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट नहीं है या फिर 10वीं 12वीं जो भी मार्कशीट मांगते हैं योग्यता के हिसाब से वो कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग इस बार फॉर्म प्रथम चरण में नहीं भरें, द्वितीय चरण में फॉर्म भरें, वो भरे जाएंगे, ये अश्योर कर रहे हैं वेबसाइट वाले या डिपार्टमेंट वाले। और कुछ इसमें अन्य कंडीशन बताई गई हैं। एक ये स्क्रीनशॉट जो उस समय पहली जो मेरिट लिस्ट आई थी, उस समय ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको वीडियो बनाया था, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम जो चरण की लिस्ट है वो आ गई है। अस्थाई मेरिट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, वो बाकी हैं, बाकी नंबर आ चुका है। इस लिस्ट में अगर नंबर है, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, मतलब आप योग्य हैं, जो ओरिजिनल मार्कशीट मांगी थी वो आपके पास हैं, तो आपका अनुप्रति योजना में नंबर आ गया है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कर चुके हैं। और इसमें साथ में लिखा हुआ है अब जारी होगी दूसरे चरण की सूची। देखिए, अनुप्रति योजना की 30,000 सीट थी और जो ये पहली सूची आई थी उसमें लगभग 19,000 लोग बताए थे, और उसके जस्ट बाद माइनॉरिटी की दूसरी लिस्ट आई थी, मतलब अल्पसंख्यक जो कैटेगरी के लोग हैं वो प्रथम सूची में नहीं थे, उनकी सूची अलग से जारी की गई। तो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 2 लिस्ट आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है, लिस्ट एक ही आई है। और पहली लिस्ट थी वो उसमें नॉर्मल लोग थे, दूसरी में माइनॉरिटी वाले अलग से थे, उनको चाहते तो एक ही लिस्ट में वो जारी कर सकते थे, तो एक लिस्ट होती ना वो, तो वो 2 अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 लिस्ट आई हैं, वो 2 लिस्ट मतलब टोटल एक ही लिस्ट है वो, बस अल्पसंख्यक की PDF दूसरी डाल दी बाद में। आप समझ गए होंगे, मतलब 20-22-23 हज़ार लोगों की वो उस लिस्ट में नाम होंगे जबकि सीट 30,000 है। इसका मतलब 100% फॉर्म तो भरे जाने हैं, क्योंकि इन लोगों में से मतलब आप ये मान लिए कि तिहाई लोग, एक तिहाई लोग इतने होंगे जो ऐसे होंगे जिनके पास डिग्री नहीं होंगी कंप्लीट, और जिनके डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए गए हैं, जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, वो लोग भी वापस अप्लाई कर सकते हैं दूसरे चरण के फॉर्म अब जब जारी होंगे। क्योंकि मान लो किसी ने फॉर्म गलती से भर दिया और उसकी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, ओरिजिनल मार्कशीट मांगी वो नहीं थी और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो योग्य नहीं है इस योजना के, वो योग्य तो हैं, तो वापस इस बार फॉर्म भर दें। मतलब दूसरे चरण में जो भी प्रोसेस रखी जाएगी, काफ़ी सारे लोगों के सबमिटेड ही आ रहे हैं उनका, जिनका अनुप्रति योजना में नंबर नहीं आया है, तो हो सकता है इसी फॉर्म को अपडेट करवा लिया जाए या फिर दूसरा नया अप्लाई करवाया जाए। जो भी प्रोसेस होगा वो उस टाइम अपडेट कर दिया जाएगा जब पोर्टल पर फॉर्म भरना शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले
जिन लोगों ने जन आधार कार्ड अभी अपडेट नहीं करवाया है, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि बोलते हैं कि जिन्होंने प्रथम चरण में अप्लाई किया था, मतलब फॉर्म भरा था, क्या वही लोग दूसरे चरण में भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने नहीं भरा था प्रथम चरण में वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और नए लोग भी भर सकते हैं, पुराने भर सकते हैं, निरस्त हो गया वो भी भर सकते हैं। कुछ लोगों के मगर उस टाइम अप्लाई करने का या अपडेट करने का ऑप्शन नहीं हो, तो आप लोग जिले के अधिकारी DLO या समाज कल्याण विभाग का जो जिलाधिकारी होता है उसको कहते हैं, आप उसके पास जाकर एप्लीकेशन देकर अपना फॉर्म रीओपन करवा सकते हैं कि सर हमें वापस से फिल करने का ऑप्शन दिया जाए, और हमने एक बार फिल किया, हमने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, हम इसके योग्य हैं, तो वो आपको वहाँ से वापस अलाउ कर देंगे। बाकी नॉर्मली ऑप्शन रहता ही है सबके पास अप्लाई करने का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस योजना की मेरिट लिस्ट जारी कब होगी या अगली लिस्ट जारी कब होगी। देखिए, पिछली बार ये प्रावधान था कि 10% लोगों को उसमें लेके और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वो इसलिए ताकि कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं या जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, उनकी जगह वापस फिर आगे से उन लोगों को ले लिया जाता है कि भाई इनमें से ये लोग योग्य नहीं थे, आप लोग आ जाओ, इसलिए मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इस बार इसके चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि दूसरे चरण के फॉर्म अभी भरे जाने हैं, सीटों की टेंशन है नहीं, अब भर लेंगे दूसरे चरण में। तो इस चीज़ के प्रत्यक्ष ना करें आप, मुझे बिल्कुल 0%, 1% मान लो उम्मीद लगती है कि कोई ऐसी लिस्ट आएगी, बाकी दूसरे चरण के फॉर्म ही फिल होंगे और वो 100% होंगे, और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अगली। तो आप लोग उस योजना में फॉर्म भरें जिनका नंबर नहीं आया है, या फिर जो नए हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं, और मैंने बताया हुआ है कि कौन योग्य है, किसकी क्या योग्यता है, आप इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। importantplus.com आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, या इस चैनल पर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिस पर हर पॉइंट की वीडियो बनाई हुई है, अपन वीडियोज़ को देखें। अब आता है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं दूसरे चरण के, और एक ये कि मतलब हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या बाद में ज्वाइन कर लें फिर नंबर आ जाए, पैसे वैसे का क्या होगा, पहले हम पैसे जमा करा दें। तो देखिए, पहले तो ये आप फॉर्म भरने के लिए अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें, मतलब पहली बार इस योजना को चालू किया गया था उस समय डॉक्यूमेंट्स सीधे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करवाए गए थे, लेकिन बाद में प्रावधान कर दिया गया था कि आप जन आधार कार्ड में सारी चीज़ अपडेट रखिए, अनुप्रति का फॉर्म भरते समय जन आधार कार्ड से डिटेल्स फैच की जाएंगी। अब इसमें समस्या एक ये थी कि उसमें अपडेट होने में टाइम लग जाता है कभी कभी, तो आप अभी से अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें अगर आप इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर आपका जन आधार अपडेट ही होना चाहिए एक स्टूडेंट का, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है जन आधार में चीज़ें अपडेट हों, उससे समस्या नहीं आती किसी चीज़ में। तो आप लोग जाति, मूल निवास और आय, ये जन आधार में ई मित्र पर जाके अपडेट करवाएं, ये तीनों आपको बनवाने हैं, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें टोकन नंबर वगैरह भी डालने पड़ते हैं, कैटेगरी वगैरह अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि जनरल वालों का EWS अपडेट होना चाहिए, जनरल के लिए योजना नहीं है, EWS के लिए है, इसलिए उनको EWS कैटेगरी जन आधार में अपडेटेड रखनी है। ये समस्या बहुत सारे लोगों को आती है, तो आप ई मित्र पर जाकर ये चीज़ तैयार रखें। अब दूसरा ये कि क्या हम कोचिंग में एडमिशन ले लें, पहले पैसे जमा करा दें? तो देखिए, ऐसा आपको इसमें प्रावधान तो किया नहीं गया है, लेकिन नॉर्मली जो मेरे से जुड़े हुए हैं अनुप्रति के लोग, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़ीस रिफंड कर दी गई, मतलब जिन्होंने पहले पैसे जमा करा के कोचिंग ज्वाइन कर ली, जब अनुप्रति के फॉर्म आए उन्होंने फॉर्म भरा, उनका उस योजना में नंबर आ गया और वही कोचिंग उन्होंने भरी थी उनको मिल गई, तो उन्होंने कोचिंग वालों से बात करके कोचिंग वालों ने उनकी फ़ीस रिफंड कर दी जितनी गवर्नमेंट देती है या उस कोर्स की जितनी फ़ीस है। इसका मैंने बताया हुआ आपको वेबसाइट पर कि मान लीजिए नीट का है, आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं 1 लाख फीस दे के, बाद में अनुप्रति में आपका नंबर आ जाता है तो आपको कोचिंग वाले 70,000 रुपये रिफंड करते हैं, तो आप इस कोचिंग के भरोसे ही ना बैठें। इस बार आपकी अगर योग्यता हुई है कोचिंग करने की तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, जैसे ही आपका ये कोचिंग, हो सकता है आपका कोचिंग में नंबर ही नहीं आए, आपकी कट ऑफ से ऊपर परसेंट ही नहीं हो और आप बेमतलब इसकी योजना के भरोसे बैठे हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करते वक्त उन कोचिंग से कंफर्म कर लें कि आपकी कोचिंग अनुप्रति योजना में है, हम इसमें फॉर्म भरेंगे, सर अगर नंबर आ गया तो क्या फ़ीस रिफंड हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी वो नाटक कर देते हैं कुछ कोचिंग वाले, बाकी जो समझदार होते हैं वो लोग कभी नाटक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप कन्फर्म करके ही कोचिंग में एडमिशन लें कि सर हमारा अगर नंबर आ गया तो फ़ीस रिफंड हो जाएगी ना, और मैं अश्योर करता हूँ आपको 99% कोचिंग वाले बोलेंगे ठीक है आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे अगर गवर्नमेंट हमको देती है आपका नंबर आ जाता है तो। अब बात करते हैं कि इस योजना के फॉर्म कब तक आने की संभावना है। तो देखिए, संभावना से पहले हम इसके रीज़न पर जाएं तो बेहतर है। जैसा मैंने बताया था कि दूसरा चरण इसलिए किया गया ताकि जो योग्य नहीं है, जिनकी रिजल्ट नहीं आए हैं, योग्यता कंप्लीट नहीं की है, उन लोगों को मौका मिल सके जिनके रिजल्ट लेट आ रहे हैं। तो वैसे 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन स्नातक के मतलब ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट अभी बहुत सारे बाकी हैं,
उसकी वजह से इस योजना को थोड़ा सा लेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी संभावना जून अंत तक इसके फॉर्म चालू होने की है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस रीज़न की वजह से इस योजना को और भी खींचा जा सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि 100% इस योजना के फॉर्म आएंगे। आप लोग जनाधार अपडेट रखें, अगर आपके 80% चांस हैं तो आप लोग ज़रूर इस योजना का फॉर्म भरें। जो भी अपडेट होगी मैं इस चैनल पर आपको बता दूंगा।